ये कहानी है उस राष्ट्रपति के बारे में जिनका कार्यकाल तो महज 2 साल 171 दिन का रहा, लेकिन उनके एक दस्तखत ने देश को आपातकाल की खाई में धकेला। ये कहानी है देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की। रात के 11:15 हो रहे, दौर था 1975 और तारीख थी 25 जून। राष्ट्रपति भवन उस रात दौराहे पर खड़ा था। रायसीना हिल्स पर देश के 5वें महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद अपने निजी कमरे में। उन्होंने अपने सेक्रेटरी के बालाचंद्र को बुलाया। राष्ट्रपति ने सेक्रेटरी को एक पन्ने का खत दिया जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिखा था। इस खत पर लिखा था टॉप सीक्रेट। उसी दिन फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी के बीच बातचीत भी हुई। ये वो रात थी जिसमें भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों पर एक बदनुमा दाग हमेशा के लिए छोड़ दिया। इंदिरा गांधी के भेजे खत में लिखा था, मुझे यह सूचना मिली है कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण देश की अंदरूनी सुरक्षा खतरे में है। अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हैं तो आर्टिकल 352(1) के तहत देश में इमरजेंसी घोषित किया जाए। इस मामले में पहले कैबिनेट की सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन वक्त गवाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति ने इस खत पर अपने सेक्रेटरी की राय पूछी। इस खत में प्रस्तावित घोषणा भी अटैच नहीं थी। बालाचंद्र ने कहा, ऐसी घोषणा एक से ज्यादा आधारों पर असंवैधानिक रूप से नाजायज है। इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि वह संविधान देखकर राय बनाना चाहते थे। बालाचंद्र संविधान की एक कॉपी खोजने के लिए अपने कार्यालय वापस चले। इस दौरान राष्ट्रपति सचिव के डिप्टी सेक्रेटरी भी पहुंच गए। राष्ट्रपति अहमद के पास संविधान की कॉपी लेकर लौटने से पहले दोनों अफसरों ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के संवैधानिकता के बारे में चर्चा की। बालाचंद ने समझाया कि अगर राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि ये है कि आंतरिक स्थितियां गृह सुरक्षा के खतरा है, तो ये संवैधानिक रूप से बेतुकी बात है। संविधान के मुताबिक इसके लिए पहले कैबिनेट की सलाह जरूरी है। बालाचंद्र वापस राष्ट्रपति अहमद के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा वह प्रधानमंत्री से बात करना चाहते। जब 10 मिनट बाद वह फिर से कमरे में आए तो राष्ट्रपति अहमद ने उन्हें बताया कि आर के धवन इंदिरा गांधी के करीबी इमरजेंसी की घोषणा का मसौदा लेकर आए थे, जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर खाई और सोने चले गए। इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट नाम की अपनी किताब में इतिहासकार ज्ञान प्रकाश ने उस रात का जिक्र किया। वह आधी रात थी जब देश को आजादी मिली, तब समय जैसा एक पल को ठहर गया। नेहरू के प्रसिद्ध शब्दों में, आधी रात के गजर के साथ जब आधी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाए। ऐसे क्षण इतिहास में विरले ही आते हैं जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। और वह भी आधी रात ही थी जब देश की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश हुई। हाँ, आधी रात को ही देश में आपातकाल लागू करने के परवाने पर एक राष्ट्रपति ने दस्तखत किए। इस परवाने में लिखा हुआ था, मैं भारत का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद संविधान अनुच्छेद 352(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस उद्घोषणा के मार्फत ऐलान करता हूँ कि एक गंभीर आपातकाल आन पड़ा है जिसे भारत की सुरक्षा और आंतरिक गड़बड़ियों के कारण खतरा है। इस देश के लिए वक्त 25 जून 1975 की आधी रात के बाद ठहर गया था। लगा जैसे नए युग में कदम रखने को फिर से पीछे के उस दौर में चला गया है जब तक नसीनों को खुद के खुदा होने का गुरूर हुआ करता था, तब उनकी मर्जी से कानून हुआ करती। आधी रात को आए इस आपातकाल के बारे में देश ने 25 जून के दिन में जाना। 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में कर्नल जलनूर अली और साहिब जादी रुकिया सुल्तान के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया फखरुद्दीन अली अहमद। बड़ा रसूखदार खानदान था। पिता असमी मुसलमान थे और असम के पहले ऐसे शख्स थे जिसके पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री थी। उनकी माता लोहारू, जो अब हरियाणा में है, उसके नवाब की बेटी थी। अहमद के दादा खलीलुद्दीन अहमद असमिया गोरिया जात समुदाय के पारसी कोरिया परिवार से थे। खलीलुद्दीन अहमद के पूर्वजों को अहोम शासक दिल्ली से असम लाया था ताकि फारसी भाषा में मुगल शासकों से जो खत मिले
उसका अनुवाद कराया जा सके और इसी भाषा में जवाब मुगल दरबार भेजा जा सके। इसलिए असम के इतिहास में उनके परिवार को पारसी फोड़िया कहा गया। फखरुद्दीन अली अहमद की पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट कैरिथिन कॉलेज में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई की। इंग्लैंड में रहते हुए 1925 में वे जवाहरलाल नेहरू से मिले और दोनों की दोस्ती हो गई। जवाहरलाल नेहरू के विचारों से अहमद काफी प्रभावित हुए। 1928 में उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। तब देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाजें और तेज हो गई। 1931 में वे कांग्रेस का हिस्सा बने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और 3.5 साल कैद की सजा मिली। स्वतंत्रता के बाद 1952 से 1953 वे राज्यसभा के लिए चुने गए और बाद में असम सरकार के एडवोकेट जनरल बने। वह दो बार 1957 से 1962 और 1962 से 1967 में कांग्रेस के टिकट पर असम विधानसभा के लिए जानिया निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। इसके बाद वह 1967 में और फिर 1971 में असम के बारपेटा के लोकसभा से चुने गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंपनी कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए गए। जब बीबी गिरी का कार्यकाल खत्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। उनके प्रतिद्वंदी थे त्रिदेव चौधरी। इस चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद को 7,65,587 वोट मिले, जबकि त्रिदेव चौधरी को 1,79,196 वोट। 24 अगस्त 1974 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल का साल से कम समय ही बीता होगा कि उन्होंने आधी रात को सबसे स्याह धब्बे पर दस्तक कर दी। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में यह संदेश सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में आपातकाल की घोषणा के साथ ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ मौलिक अधिकारों को भी कुचला गया। प्रेस के सेंसरशिप और विपक्ष के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के साथ देश में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया। इस फैसले के बाद उनकी चौतरफा आलोचना हुई और इमरजेंसी नाम के लोकतंत्र के काले अध्याय पर जब भी जिक्र होता है तो फखरुद्दीन अली अहमद का नाम भी जरूर आता है। बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। उनके और इंदिरा के रिश्तों में भी काफी कड़वाहट आ गई। फखरुद्दीन अली अहमद फरवरी 1977 में मलेशिया, फिलीपींस और बर्मा के आधिकारिक दौरे पर गए हुए थे। इसी दौरान 10 फरवरी को उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्हें उसी दिन भारत लौटना पड़ा। 11 फरवरी की सुबह जब वो उठे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वे करीब 9 बजे अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम गए, जहां उन्हें 2 हार्ट अटैक आए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह वही बाथरूम था जिसमें कुछ साल पहले उनके दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद जा चुके थे, लेकिन उनके माथे पर इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत का काला धब्बा रह गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।